गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑन दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म फ्रॉम कनेक्टर्स पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बार। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे लास्ट वीडियो में हमने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच टॉपिक शुरू किया था, तो उससे आगे हम बढ़ते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। मैंने उससे रूल नंबर फर्स्ट आपको कहा था कि जब रिपोर्टिंग वर्क प्रेजेंट में हो या रिपोर्टिंग वर्क फ्यूचर के अंदर हो, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होता है, इसमें चेंज नहीं होता है, रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर कोई चेंज नहीं होता है, हम क्या करते हैं कंजक्शन डायरेक्ट लगाते हैं और सन का फॉर्मूला लगाकर उसको डायरेक्ट स्पीच में बदल देते हैं। तो ये सबसे फर्स्ट नंबर रूल आप लिखोगे क्या कॉपी के अंदर, सबसे पहला रूल लिखोगे यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट यानी कि सेज टू या विल से यानी फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। जैसे अगर आई राइट ए लेटर है तो आई राइट ए लेटर ही वापस आएगा। आई सन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन बाकी सारा का सारा ऐसे दे जाएगा। रूल नंबर सेकंड क्या है, वहाँ तक तो क्या था कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर रिपोर्टिंग वर्क के अंदर रिपोर्टिंग वर्क प्रेजेंट में या फ्यूचर में होती है तो कोई चेंज नहीं होता, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर सेट टू, सेट होता है पास्ट के अंदर, यहाँ रिपोर्टिंग वर्क किसमें है, आरबी किसमें है, पास्ट के अंदर। जब पास्ट के अंदर आरबी हो तो किस तरीके से रिपोर्टेड स्पीच के टेंस के अंदर किस तरीके से हम चेंज करते हैं वो मैंने इसका रूल नंबर 2 लिखा है। और बहुत सा इजी रूल है इसका, एक लाइन आपको याद रखनी है, क्या याद रखनी है कि प्रेजेंट टेंस पूरा का पूरा चेंज होता है पास्ट टेंस के अंदर। अगर प्रेजेंट सिंपल दे रखा है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर तो चेंज हो जाएगा पास्ट सिंपल के अंदर। इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस दे रखा है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट दे रखा है तो पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दे रखा है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। बहुत सिंपल सा रूल है, चलो सेंटेंस बनाते हैं, एग्जांपल लेते हैं। और लिखा भी है ऑल प्रेजेंट चेंजेस इनटू पास्ट टेंस, यानी प्रेजेंट पूरा का पूरा चेंज होगा पास्ट टेंस में चेंज होगा। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आई सेड टू सीता यू सिंग अ सॉन्ग। तो नॉर्मली ध्यान रखना माय डियर स्टूडेंट्स कि जब सेड टू लिखा हुआ है और यहां पर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो नॉर्मली हम सेड टू का यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर सेड टू का नॉर्मली करेंगे टोल्ड। तो सेड टू नॉर्मली किस में चेंज होगा, फिर आपको अंडरस्टूड होना चाहिए ना, आई टोल्ड सीता। अब अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हमें क्या लगाना है, दैट। तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए, दो चीजें आपको यहां पे क्या समझना है, एक तो दैट कंजंक्शन लगाना है जब अफर्मेटिव सेंटेंस जो सिंपल सेंटेंस हो, और सेट टू को किस में चेंज करना है, टोल्ड। कब, जब सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच क्या हो, अफर्मेटिव हो, है ना, पॉजिटिव हो, सिंपल सेंटेंस हो। तो दोनों ये चीजें ध्यान रखनी है, सेट टू चेंजेस इनटू टोल्ड एंड व्हेन वी मेक अ डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच देन वी यूज विद अफर्मेटिव सेंटेंस इन दैट। ठीक है, आई टोल्ड सीता दैट। अब देखो अगर अब यू है, मैंने आपको सन वाला फॉर्मूला आपको बताया था, सन यानी सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन कहाँ आएंगे, इस जगह आएंगे। अभी देखो यू कौन सा पर्सन है, मैंने आपको पढ़ाया पर्सन, तो यू सेकंड पर्सन है। अब सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन में क्या लिखा हुआ है, वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट किसका, रिपोर्टेड वर्ब का, तो रिपोर्टेड वर्ब का सीता है, तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये सीता के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। और सीता का वापस आप सीता नहीं लिखेंगे, सीता का हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर जब प्रोनाउन लिखेंगे क्या लिखेंगे, सी। ठीक, क्योंकि यहाँ पर वापस सीता नाम आ गया है पहले से, इसलिए वापस इसको रिपीटर नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका प्रोनाउन आएगा वापस सी। मैंने कहा ना हर एक चीज बेटा कंसेप्चुअल है इसके अंदर, दैट सी यू का सी हो गया इस सर वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब देखो सिंग अ सॉन्ग, यू सिंग अ सॉन्ग, ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, और प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है किसमें चेंज होगा, पास्ट सिंपल के अंदर। और पास्ट सिंपल के अंदर क्या होता है स्ट्रक्चर, याद करो टेंस बने सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है ना, तो सब्जेक्ट आ गया सिंग की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, सेंग, सी सेंग ए सॉन्ग। इस तरीके से बहुत इजी तरीके से ये डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच बन जाता है। मैंने आपको कल भी समझाया था कि अगर कोई प्रत्यक्ष कथन हो रहा हो, देखो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वर्ड को समझना, प्रत्यक्ष यानी कि उस टाइम हो रहा हो, उस मोमेंट के अंदर हो रहा हो, किसी दो के बीच में हो रहा हो, लेकिन जब वो का वो कथन कोई तीसरा बाद में कहता है तो सीधी सी बात है कि उस कथन वो कथन क्या हो जाएगा, पास्ट का हो जाएगा। इसलिए प्रेजेंट पूरा का पूरा पास्ट में चेंज होता है। थोड़ा इसको समझना, अगर डीप में जाके समझने की कोशिश करो तो, है ना, आप दोनों के बीच किसी दो फ्रेंड्स के बीच बात हो रही है, है ना, अब वो दो फ्रेंड्स के बीच बात हो रही है, और जब मैं ये कहूंगा कि उन दोनों के बीच ये बात हो रही है तो मैं क्या कहूंगा, ये बात हो रही है कहूंगा या हो रही थी कहूंगा, मैं कहूंगा हो रही थी। क्यों कहूंगा, क्योंकि वो बात हो गई थी, इसलिए पास्ट की बात है। तो ये सब कंसेप्ट है,
प्रेजेंट पास्ट में क्यों चेंज होता है? क्योंकि प्रत्यक्ष कथन, प्रत्यक्ष यानी कि एक बार बोला गया वाक्य, उसको जब कोई तीसरा व्यक्ति उस वाक्य को रिपीट करता है तो वो वाक्य तो ऑलरेडी किसका हो जाता है कि ऐसा बोला गया था, तो वो प्रेजेंट का किसमें चेंज हो जाता है, पास्ट के अंदर चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट ध्यान रखना अगर समझ में, तो नहीं तो आपको ये तो ध्यान रखना ही है कि प्रेजेंट पूरा पास्ट में चेंज होता है इस तरीके से। अब यहाँ आप और भी चेंज कर सकते, देखो इस वाले फॉर्मूले को और थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ मैं, कल भी समझाया था, थोड़ा सा पहले अच्छे समझते हैं इसको। यहाँ पर यू दे रखा है, अब मैं देखो इधर इस यू को अगर मैं हटा दूं और यहां मैं क्या लिख दूं, यानी कि मैं आई, अब अगर मैं यू को हटा देता हूं या आई लिख देता हूं, ठीक है, आई कौन सा पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, इस आई के अकॉर्डिंग, तो आई का ऑफिस यहां पे क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, बस इतना सा पढ़ना है इसमें, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ये चीजें ध्यान देना। अब देखो अब सेकंड सेंटेंस का कैसे बनेगा, आई सेड टू सीता यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सेंटेंस ले लो, तुम गाना गा रही हो, तो कैसे चेंज हो जाएगा, देखो इसमें दो चीजें और हैं, चलो मैं बता देता हूं आप सेंटेंस करके, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सेंटेंस बन गया है ना, यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग, अब इसको हम चेंज करेंगे, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, सेकंड पर्सन सीता के अकॉर्डिंग, सीता गया तो क्या आ जाएगा, जब सी आ जाएगा, लेकिन प्रेजेंट कंटीन्यूअस को यहां पे चेंज किसका करेंगे, पास्ट कंटीन्यूअस में करेंगे, पास्ट कंटीन्यूअस में अभी क्या होती है, वाज वर्ब होती है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो सी के साथ क्या आएगा, वाज आएगा, वर आएगा, सी सिंगुलर इज इसलिए क्या आएगा, सर वाज आएगा, है ना, मैंने आपको टेंस में पढ़ाया है कि सर वाज आता है, किसके ऊपर आता है, आई के साथ वाज आता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वाज आता है। अब देखो अब यहां पे तो यू आर था, देखो अपने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस भी पढ़े, जैसा बेटा सब्जेक्ट होगा ना उसके अकॉर्डिंग इसकी हेल्प होगी, जैसा सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग हेल्प होगी, ये दोनों भी बॉन्डिंग है आपस के अंदर, ऐसा नहीं होगा कि यहां पर यू दे रखा है तो वाज हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा यहां पर सी दे रखा है तो वाज हो जाएगा, नहीं, जैसा सब्जेक्ट वैसा उसकी हेल्पिंग, सब्जेक्ट और हेल्पिंग में आपस में बॉन्डिंग है, ठीक है ना, तो सी वाज फिर ऐसे दे जाएगा सिंगिंग। और एग्जाम्पल बहुत अच्छा सा क्वेश्चन पूछता है और सिंगिंग सॉन्ग, तो इस तरीके से सेंटेंस बन जाएंगे। अब अगर इसको मैं चेंज करूँ इसमें परफेक्ट में ले लेता हूँ, परफेक्ट में कैसे बनेगा ये आप खुद बना सकते हो, परफेक्ट में हैज अ यूज होता है, यू के साथ क्या यूज हो जाएगा, यू हैव संग अ सॉन्ग, नीचे क्या आ जाएगा, सी हैड संग अ सॉन्ग, फिर क्या हो जाएगा, फिर वो ले लो टू आवर्स वाला ले लो, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, यू हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर टू आवर्स, तो उसमें सिर्फ क्या चेंज होगा, सी हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर टू आवर्स। इस तरीके से ये फोर टाइप जो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये पूरा का पूरा चेंज होगा पास्ट में, ये इसका सेकंड रूल था। आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया होगा और ये सब वाला फॉर्मूला भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब इसका थर्ड रूल क्या है, चलो इसी में ब्लैंक करके लिख दो, अब यहां तक तो ठीक है कि प्रेजेंट पूरा पास्ट में चेंज हो जाता है, लेकिन अगर हम इसको यहां से हटा रहा हूं, ठीक है, अब अगर सेंटेंस में पास्ट सिंपल दे रखा हो तो किसमें चेंज होगा, तब वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस दे रखा हो तो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मैसेज होता है, ध्यान दो पास्ट सिंपल चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यानी एक छोड़ के एक चेंज हो रहा है, फर्स्ट चेंज होगा थर्ड में और सेकंड चेंज होगा फोर्थ में, यानी कि पहला है तो एक छोड़ दो तीसरे चेंज हो रहा है, दूसरा है तो एक छोड़ दो तीसरे चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट कंटिन्यूअस
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, लेकिन अगर सेंटेंस के अंदर पास्ट परफेक्ट दे रखा हुआ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस दे रखा, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसका एक एग्जांपल देते हैं, जैसे राम सेड टू मी, आई बहुत इजी सा है, अगर थोड़ा बहुत कंसेप्ट से चलेंगे, थोड़ा बहुत रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो ये डायरेक्ट प्रैक्टिस बहुत इजी है। कुछ भी इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, है ना। प्रेजेंट टेंस पूरा चेंज होता है पास्ट टेंस के अंदर, और पास्ट सिंपल यानी फर्स्ट दे रखा हो तो थर्ड में चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूस दे रखा हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर चेंज होगा। अब इसको अगर मैं इस सेंटेंस थोड़ा सा और मॉडिफाई करूं, और पास्ट सिंपल यहां पर नहीं लिखी, यहां पर मैं क्या करूं, पास्ट कंटिन्यूस करो, आई आई वॉज राइटिंग लेटर। कौन सा है पास्ट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस किसमें चेंज हो रहा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, यहाँ ही का ही आ जाएगा। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर क्या होता है, ही हैड बीन राइटिंग ए लेटर, वहां पर हैड बीन होती है एल्फिबर, सिंस वी बोला उसके अंदर, है ना, ही हैड बीन राइटिंग लेटर, क्योंकि हैड बीन क्या है उसकी कह लगेगा, फिर लगेगा और फर्स्ट ऑरेंज लगेगा, सिंस वो रहेंगे इसके अंदर छोड़ो उसको, ठीक है। इस तरीके से जो है सेंटेंस बनी। अब अगर सेंटेंस को यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का हो, जैसे आई हैड रिटन लेटर, तो वो सेंटेंस कुछ भी चेंज नहीं होगा, एज इट इज आएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का हो तो एज इट इज आएगा, थोड़ा संबंध है इसमें ना, कर थोड़ा बैठ के एक्सरसाइज करना। और अपनी चीजों में क्या ध्यान देना है, ये इन्वर्टर्स कॉमा के अंदर टेल स्पीच हमेशा इन्वर्टर्स कॉमा के अंदर होता है, लेकिन जब भी हम वापस इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो पूरा का पूरा सेंटेंस हम एक लिखेंगे, उसको अलग कंडीशन से जोड़ के, है ना, उसको अलग अलग नहीं लिखेंगे। इस तरीके से हमारे ये प्रेजेंट से पास्ट में चेंज किया, और पास्ट सिंपल का पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, और थर्ड और फोर्थ के अंदर, थर्ड और फोर्थ के अंदर कोई चेंज नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा घर पर बैठ के आप उसकी प्रैक्टिस करना। और कोई नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, और वैसे भी आई थिंक तो नवंबर से आपकी क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस शुरू होनी चाहिए, तो जो भी प्रॉब्लम्स है इसके अंदर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम बैठ कर उसे सॉल्व कर देंगे, है ना। टेंथ बोर्ड के अंदर वैसे भी अपने पास काफ़ी समय मिलेगा टेंथ बोर्ड में, तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि सभी स्टूडेंट्स ऑल ओवर स्टूडेंट्स की 90+ मार्क्स हो, और इसके लिए मैंने आपको पहले कहा था, फर्स्ट डे मैंने आपको कहा था, थोड़ा मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, और जो यहाँ पे मैं समझाता हूँ 20 मिनट्स का फॉर्मूला आप इंप्लीमेंट करो घर पे। ज़्यादा किसी चीज़ को हम बहुत ज़्यादा बर्डन में ले लेते हैं, इतनी बर्डन होती नहीं है एक्चुअल के अंदर, है ना। तो थोड़ा सा घर पे पढ़ो, जो पढ़ाता हूँ यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करो, 20 मिनट्स बहुत एनफ है, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ 20 मिनट घर पर रिवाइज रिवाइज कर लोगे तो इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना इंग्लिश के अंदर, आई गारंटी यू, है ना, कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे इंग्लिश के अंदर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने रूल नंबर 2 पढ़ा, जिससे प्रेजेंट को चेंज किया पास्ट के अंदर, और पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में, ये सारे जो रूल्स आज मैंने पढ़ाए हैं एक बार लिख देना, और कल हम लेंगे कि फ्यूचर में किस तरीके से चेंजेस होते हैं। उससे पहले ये तो सारे हो गए अफर्मेटिव सेंटेंसेस, लेकिन इसके अंदर अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तब कैसे बनेंगे सेंटेंस, डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हो तब कैसे बनेंगे, वो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर लेंगे, वीडियोज के अंदर। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।